लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज का लगने वाला साप्ताहिक दरबार में आज भी मंत्री अनिल विज नहीं पहुंच पाए। उनकी गैर मौजूदगी में समस्याएं लेकर आने वाले फरियादी चिलचिलाती धूप में परेशान हुए। सरकारी कामों में व्यस्त होने की वजह से पिछले कई दरबार में नहीं पहुंच पा रहे हैं कैबिनेट मंत्री। उनकी गैर मौजूदगी में SDM सुभाष सिहाग ने सुनी जनता की समस्याएं। संयुक्त आयुक्त नगर निगम सहित कई विभागों के अधिकारी भी दरबार में मौजूद रहे। फ्लोर बॉल और फ्लोर हॉकी को खेलों में शामिल करने की फरियाद लेकर दिव्यांग बच्चे भी दरबार में पहुंचे। अंबाला से JAT TV न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। मेडल जीतने के बाद भी उन्होंने इनको बुलाया था, इनका स्वागत किया गया था वहाँ पर। आप कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से हूँ। तो हमसे मिले नहीं है, हमने अपनी एप्लीकेशन दे दी गई है। अभी वो आएंगे तो उनसे मिलेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो फिर हम आएंगे। बिलासपुर में खेलने गए थे नेशनल वाला। कहाँ खेलने गए थे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया में जी। कितना खर्चा आपका आया उसमें? उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं आया। किसने खर्चा किया? सब गवर्नमेंट से ही हुआ था। मेरा नाम करुणा है, मैं सोनीपत हरियाणा से आई हूँ। मेरी बेटी जो है लिटिल एंजल इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ती है और उसने अभी लास्ट 15-16 में ही उसने हिमाचल में बिलासपुर में उसने गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें क्या है कि उसने कैश अवार्ड जीता था। तो कुछ बच्चों को तो कैश अवार्ड मिल चुका है, कुछ बच्चों को नहीं मिला। तो जब हम DSO ऑफिस में उसके कैश अवार्ड के लिए गए तो उन्होंने बोला कि ये लिस्ट में आपकी जो है जो आपकी जो गेम है बच्चों की वो अभी लिस्ट में नहीं है। तो अभी हम खेल मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। हमने अपनी अपनी एप्लीकेशन भी दी है कि आप इसको लिस्ट में ऐड कीजिए ताकि सभी बच्चों को जो अपना कैश अवार्ड जो है मिल सके।